दोस्तों मेरा एक हाथ नहीं है, आत्महत्या कर लूँ मैं? मेरी एक आंख नहीं है, आत्महत्या कर लूँ मैं? शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, आत्महत्या कर लूँ मैं? मानसिक रूप से कमजोर हूँ, आत्महत्या कर लूँ मैं? पारिवारिक परिवार जन जो चीजें हैं वो बहुत सारी पीछे छोड़ देती हैं मुझे, तो क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं? कारण क्या है कि लोग असफल हो जाते हैं? इन सब चीज़ों के पीछे एक विशेष कारण है। वो विशेष कारण क्या है कि हम किसी भी काम को करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक सोच है, वो हमें चार कदम पीछे छोड़ देती है। इसीलिए हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही कभी बढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए एक अचूक मंत्र है, एक मैजिक वर्ड है जिसे हम कहते हैं हार ना मानना। ये आप वर्ड को बड़े ध्यान से देखिए, ज़्यादा 10 सेकंड तक इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका मतलब क्या है, हार ना मानना। इस वर्ड को देखने के बाद में, समझने के बाद में, किसी भी काम को करने से पहले आप अपने मस्तिष्क के अंदर ये बैठा दें कि मुझे हार नहीं मानना। चाहे कोई भी आप चैप्टर याद करते हो, चाहे आप रेलवे इंजीनियरिंग या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपके माइंड के अंदर ये हो रहा है कि मुझे हार नहीं मानना है, लेकिन फिर भी कुंठाएँ हमें सताती हैं, हमें जो हमारी कमजोरियां हैं हमारी टांगों को बड़ी खींचती हैं। क्यों खींचती हैं? क्योंकि हम हर एक उस व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें पीछे हटने की बात करता है। मैंने आर्ट की पढ़ाई की, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो मैं कहूँगा बेटा आर्टल ले लीजिए, साइंस आपके बस की नहीं है, कॉमर्स आपके बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया। अरे जो मैंने नहीं किया क्या आपसे भी नहीं होगा? संसार में जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं सभी के अंदर सामर्थ्य अलग अलग ही होता है। आपके अंदर क्या सामर्थ्य है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो आपको पसंद है आप वो काम कीजिए। कुंठाएं सताती हैं हमें, हमें डिप्रेशन में लेके जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से उभरने के लिए आपके पास कभी भी आपके माता पिता नहीं रहेंगे, आपके टीचर्स नहीं रहेंगे, आपके दोस्त भाई बंधु नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे उभरें? उभरने का एक अचूक मंत्र है कि आप शीशे के सामने जाइए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब बड़े ध्यान से अपने चेहरे को देखिए। जब आप चेहरे को देखेंगे ना तो अपने आप ही जवाब आ जाएगा कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है तुम हार क्यों मानते हो? परेशानियां हर उस व्यक्ति के सामने आती है जो कदम बढ़ाता है। जो एक जगह बैठा हुआ है ना, परेशानियां उनके सामने नहीं आती हैं। और परेशानियां किसके सामने नहीं आएंगी? परेशानियां उनके सामने नहीं आएंगी जो कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे हैं। उनको चिंता नहीं है कि अखबार में क्या छपा है, रेडियो टेलीविज़न पे क्या आ रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि जो जीवित है परेशानी उसके सामने ही आएगी। जिंदा है तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ़र्क इतना है कि आप उसको हंस के सहते हैं या रो करके सहते हैं। उंगली में लगी चोट का जो दर्द का एहसास है ना, वो हमें बर्दाश्त करने की शक्ति किस तरीके से देता है। हम उसको हंस कर सहेंगे तो हमारा नाम होगा, हम उसको रो करके सहेंगे तो हम बदनाम होंगे, हमारा नाम नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से खेलना चाहते हैं? ज़िंदगी एक खेल के प्रकार, खेल की तरह से है, और इस ज़िंदगी के खेल को आप किस तरीके से हंसकर खेलना चाहते हैं? आप पूरे जोश से या एक मरी हुई रेंगती हुई कुचली हुई ज़िंदगी के साथ में? नहीं, आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं जन्मे हैं। मेरा कहना है कि ब्रह्मांड के अंदर जो देश है भारत, इस भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अपार शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्वयं कहा है कि भारतीयता के अंदर एक विशेष शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। यू कैन डू एवरीथिंग विच यू थिंक। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आप सोचे उसको कर ना पाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधु, यदि आप कभी भी निराश हों तो आप किसी का सहारा ना लें, आप सहारा बनने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप किसी का सहारा लेंगे ना तो आप निर्बल और कमजोर और कायर हो जाएंगे, और जब जब आप सहारे का स्वयं सहारा बनेंगे तो आपके अंदर एक अपार शक्ति होगी। पूरी प्रकृति आपके अंदर एक विशेष शक्ति का सामंजस्य करेगी, एक ऊर्जा भर देगी, और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए आपको सदैव और सदैव प्रेरित करती रहेगी। कभी कभी हम देखते हैं कि हम क्यों पढ़ें, हम क्यों आगे बढ़ें। अपने लिए कभी आगे मत बढ़िए। आप गरीब मजलूमों को देखिए, उनके चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को देखिए, उनकी यातनाओं को देखिए, उनकी गरीबी को देखिए, उनके लिए आप आगे बढ़ें, अपने लिए नहीं। ये जीवन अपने लिए नहीं है, जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सारा संसार जीता है। तो आपका जो जीवन है वो एक अमूल्य वस्तु है। इस अमूल्य वस्तु को आप खंडित नहीं कर सकते हैं, आप इसको बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जो है सबसे पहले आपके देश का है, और आपके देश की संपत्ति को आपको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो देश की संपत्ति का नुकसान करता है वो उस देश का हो ही नहीं सकता है। तो प्यारे देशवासियों,
भाई बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन विशाल हो तो आपको विशाल सोचना पड़ेगा। छोटी संकीर्ण क्षुद्र वासनाओं में फंस करके जीवन को नष्ट कर देने वाली जो चीजें हैं ना, वो हमें सदैव सदैव नीचे गहवर अंधकार में डुबो देंगी। तो हमें प्रकाश में आना है, और प्रकाश हम अपने अंदर ही ला सकते हैं। स्वयं से बढ़कर ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ बता सकता है कि आप ये करिए, आप वो कीजिए, लेकिन करना आपको होता है। स्वयं के निर्णय क्षेत्र में आपकी ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका ही निर्णय चलता है। तो दोस्तों, जब भी आपको आत्मकुंठा सताने लगे, जब भी आप सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने चेहरे को आईने में 10 सेकंड देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं ये नहीं कर सकता? आपके पास स्वयं का जवाब होगा और वही जवाब आपको आगे बढ़ाएगा। जय हिंद।